नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो चर्चा का विषय है वो है आरक्षण और उसमें होने वाली धांधलेबाजी और हमारे महापुरुषों की विचारधारा तथा नई शिक्षा नीति में क्या है, ये सब का तीनों का मिला जुला जो है चर्चा का विषय बनेगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजेंद्र साव सर, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है विनोद कुमार छत्रा जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली से हैं। और आज के युवा जो है विवेक शर्मा जी, जो आजमगढ़ से हैं और आप ला के विद्यार्थी हैं, आज हमारे बीच में हमारी चर्चा में भाग लेंगे। साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय राजेंद्र साव सर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो आरक्षण का जो विषय है और उसमें क्या क्या धांधलेबाजी होती है, इस विषय पर आप जो है हमें मार्गदर्शन दें, आदरणीय राजेंद्र साव सर। साथियों, स्क्रीन पर ये जो आप आंकड़े देख रहे होंगे इसके बारे में सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, आदरणीय राजेंद्र साहब। जी सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब आज की मीटिंग के लिए, और जी अपने सर। दो पैनलिस्ट साथियों को भी जय भारत। तो आज के प्रोग्राम में जो स्क्रीन पर आपने ये रखा है और डिस्प्ले किया है कि किस तरह से आरक्षण में धांधलेबाजी किया जा रहा है, उसको समझने के लिए एक मैंने डिस्प्ले लाया है। तो देखिए, आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कैटेगरी लिखा हुआ है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि किसी एग्जाम्पल में अगर कोई कैटेगरी वाइज क्या हुआ है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तीन कैटेगरी हमारे पास है, उनका कट ऑफ दिया हुआ है कि जनरल वाले का मार्क्स है 80%, 100%, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है, ठीक है, इनका 0% छूट है, कोई मार्क्स पे छूट नहीं। दूसरी कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी में एक जजमेंट आया था अशोक कुमार ठाकुर का केस में, दलविल भंडारी जो जज थे उन्होंने कहा था कि जनरल का जितना नंबर आएगा उससे 5 नंबर कम होगा एस ओबीसी के लिए, उनका कट ऑफ जो बनेगा वो जनरल से 5 नंबर कम होगा और एससी एसटी के लिए जनरल से 10 नंबर कम होगा। तो उसके अनुसार अगर मान के हमने एग्जाम्पल लिया है कि जनरल को 80% से 100% नंबर आया, वो जनरल हो गया, अब ओबीसी को उसके जजमेंट के हिसाब से वो 75 से 79% नंबर, 75% से 79% नंबर लाएगा तो ओबीसी में आएगा वो, और अगर 70 से 79%, 70% से 79% नंबर लाता है तो एससी एसटी में होगा। तो ये कट ऑफ का नियम बनाया के हिसाब से एग्जाम्पल हमने ही लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ओबीसी का 5 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, उसको नंबर जो है 5 कैंडिडेट को वो 80 से 100 के बीच में नंबर है, तो नियम के मुताबिक इनको जनरल में जाना है, ठीक है, तो जनरल में ही चला दिया। 10 कैंडिडेट उनका जो है उनके नंबर 77 से 79% नंबर है, तो वो आ गए आपको ओबीसी कैटेगरी में, 75 से 79 वाले कैटेगरी। मान लीजिए 25 कैंडिडेट ऐसे हमारे जिनके नंबर 75 74 से भी कम है, 74 या उससे कम है नंबर, वो फेल हो जाएंगे। तो अब देखिए इसमें और खेला क्यों होगा कि आपके 15 कैंडिडेट पास किए हैं, आपका 27 सीट है, 27 सीट में 5 नंबर लाए हैं जो जनरल के बराबर लाए हैं, 10 ऐसे हैं जो ओबीसी के बराबर नंबर लाए हैं, 25 ऐसे हैं जो उनका कट ऑफ नंबर जो है ओबीसी का 75% होना चाहिए लेकिन उसके 74% या उससे कम नंबर, वो फेल हो गए। अब इस 15 का भी, अब यहाँ पर 15 कैंडिडेट आपके पास किए हैं तो 27 में 15 पास किए हैं तो मतलब 12 सीट आपका खाली हो गया एक तरह से, तो आपका 12 सीट तो यहाँ हो गया। अब दूसरा खेला इसमें क्या होगा कि जो लोग इसमें 80% 100% के नंबर लाने वाले 5 कैंडिडेट है, तो वो अगर मान लीजिए इतना नंबर लाता है कि उनका टॉप रैंक में है, आईएएस आईपीएस वो कंप्लीट कर गए हैं, वो मतलब उनका 1 2 3 या जहां तक आईपीएस का रैंक है वहां तक आ गया, तो उनको तो मिल जाएगा वो सीट। मान लीजिए कि उनका नंबर 80 81 या 82 हो तो वो बी ग्रेड की सर्विसेज में आएगी, तो उनको कहा जाएगा अगर आपको जनरल में लोगे तो तुमको हम बी ग्रेड की सर्विस देंगे, और अगर आपको हम
ओबीसी में डाल देते हैं तो आप ओबीसी का आप टॉपर बन जाएंगे, और चूंकि आपका अस्सी जी इक्यासी परसेंट नंबर है, और वहां पर जो है 75% से 79% वाले ही हैं ओबीसी में, तो अगर आप उसमें चले जाओगे तो हम आपको वहां पर टॉप कर देंगे और वहां पर आपको आईएएस आईपीएस बना देंगे। तो ये धांधली चल रहा है। नियम क्या है कि अगर मान लीजिए 81% नंबर आया है और वो बी ग्रेड की सर्विस वहां आ रहा है जनरल में, तो वो सीट लेकर के आ जाएगा ओबीसी कैटेगरी में, मतलब कि ओबीसी में वो कैंडिडेट अगर वापस होता है तो जनरल का वो सीट भी लेकर के वो आएगा वापस ओबीसी में। अब उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो वो सीट जो ये टॉप हो गए हैं, तो टॉप होने की वजह से इनको ओबीसी का सीट तो मिल जाएगा ओबीसी में, लेकिन जो सीट वो जनरल का लेकर के आए हैं तो वो जनरल के दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगा वो सीट, ये रूल है। लेकिन ये नहीं करके ये करते हैं कि उनको जबरन कहते हैं कि अगर टॉप सीट चाहिए, रैंकिंग वाला सीट चाहिए, तो आप ओबीसी में आ जाइए, अगर आप जनरल में आओगे तो तुम्हें बी ग्रेड का सीट थमा देंगे। यहीं पर देखिए कि ये खेला हो रहा है, यही गड़बड़ी हो रही है कि आप जनरल में आएंगे तो आपको जनरल का हम बेनिफिट तो देंगे, लेकिन वो हम आपको जनरल की ट्रीट करेंगे, आपको फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे उनको। तो इसी मारे जो लोग ओबीसी हैं वो आईपीएस आईएएस रैंक की सर्विस लेने के लिए वो अपने आप को फिर बैक कर लेते हैं कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सीट मारा जाता है ओबीसी कैंडिडेट का। अगर वो वहां का भी सीट ले करके बैक करे अपना कैटेगरी में, तो एक सीट पड़ जाएगा कैटेगरी का ओबीसी का, अब वह उनके जो नीचे वाला होगा उसको मिल जाएगा वो सीट, इससे ओबीसी एक सीट भी बढ़ जाएगा, एक लड़का मेरिट में भी आ गया और उसको ओबीसी का फायदा भी मिल जाएगा। ये होना चाहिए प्रोसीजर, लेकिन ये षड्यंत्र जो हुआ था तो अभी मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि वो अच्छे पद के लिए कैटेगरी में वापस आ जाते हैं, तो क्या होगा कि वो 5 और 10 15 सीट क्वालिफाई किए हैं, बाकी 12 सीट उनका खाली हो जाएगा, ये 12 सीटों को फिर अगले साल वो क्या करेंगे कि इसको जनरल कर देंगे, तो ओबीसी का सीट 27 नहीं भरेंगे, ये 15 भरेंगे, 12 सीट खाली करके इसको फिर जनरल करके फिर वो जनरल से भर्ती कर देते हैं ये सीट। इस तरह से सीटों की चोरी की जा रही है। अगर मान लीजिए वो जनरल चले गए कि नहीं हम जनरल में लेंगे, बी ग्रेड भी ले लेंगे, तो ओबीसी में मात्र 10 बच्चे बचेंगे, तो 10 बच्चे बचेंगे तो मतलब कि 17 सीट आपका खाली रहेगा, और 17 सीट जो है आपका जो है ये फिर उसको जनरल करके ओबीसी से छीन लिया जाएगा, उस जनरल को दे दिया जाएगा। तो इस तरह सीटों की चोरी भी की जा रही है। ये है केवल का एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि 27% हम लोग कह रहे हैं कि हमें दिया जा रहा है दिया, लेकिन हकीकत में हमें दिया नहीं जा रहा है, वो मुश्किल से 10-12% मिलता है, बाकी सीटों को जो है इसी तरह से कट ऑफ के हिसाब से उनको निकाल दिया जाता है। आप देखिए असल में नियम जो पहले हुआ था इससे पहले कि आप 80% लाइए, चाहे एससी हो एसटी हो जनरल हो, 80% लाइए आप जनरल में आपको माना जाएगा। अब ओबीसी का कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए था, एससी एसटी का कोई कट ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर 70% नंबर लाने वाले होते तो हमारा ये 27% फिल हो जाएगा, अगर 60% वाला भी लड़का मिल जाएगा तो उनका सीट पूरा हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि 75% करके इनका जो सीट है पूरा खाली छोड़ने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। रिजर्वेशन का मतलब होता है इनका कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ का पॉइंट होना चाहिए जनरल का, कि अगर वो नंबर ले आए तो आप जनरल में जाएंगे, अगर वो कट ऑफ नहीं लाए तो आप जो है अपने कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे आपका कैटेगरी में चाहे 10% नंबर आए, 20% आए, 50% आए, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये 5% का रिलैक्सेशन वाला सिस्टम ला करके ये ओबीसी के सीट खाली करने का एक षड्यंत्र लगाया है। तो ये जजमेंट का सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि कैसे ओबीसी को जो है इनको वंचित किया जाए, ये सब लगाया गया है रिस्ट्रिक्शन कट ऑफ के नाम पर। तो ये है एक्सप्लेनेशन। ये बात आपने सही बताई कि जो है इस तरह से षड्यंत्र करके ओबीसी को शासन प्रशासन में आने से रोकने का ये षड्यंत्र यहाँ से नहीं हर जगह से चला जा रहा है। विभागीय स्तर पर भी प्रॉब्लम है और न्यायिक स्तर भी प्रॉब्लम है, और उसके एग्जीक्यूट करने वाले लोग जो हैं वो भी इसी तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो जैसे क्या मैं ये और जानना चाहता हूँ, क्या बहुजनों को इस बात का अंदाजा है कि हमारे साथ किस तरह की धांधलीबाजी हो रही है? जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं क्या इस बात को ठीक तरह से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं सर? जी
मैं बोलूं? जी सर जी, हाँ सर आप बोल हाँ, कर रहे हो। तो देखिए इसमें जो है ओबीसी कैटेगरी के लोग जो है एससी एसटी को, उनको ये बेसिक चीज पता नहीं है, खासकर हमारे वो लोग जो मंदिर मस्जिद का झंडा उठा के घूम रहे हैं, उनको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। विवेक जी कॉलेज में पढ़ते हैं, जैसे लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए वहां पर सीट लिमिट होता है, या इंजीनियरिंग में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लिमिट होता है, या जैसे विनोद कुमार जी टीचर हैं तो टीचर में जो है सीट लिमिट होते हैं। तो जब ऐसे जगह पर हमें जाने की जरूरत होती है तो यही चीज हमें जरूरत पड़ती है कि वहाँ रिजर्वेशन की इतनी जरूरत पड़ती है। अगर ये रिजर्वेशन ना हो तो शायद विवेक जी का एडमिशन ना हो पाता, विनोद जी को टीचिंग का जॉब नहीं मिल पाता। तो इस तरह की जी चीजें हैं, ये रिजर्वेशन ना हो तो हमारे लोगों को ये जी जानना की जरूरत है कि ये जो चीजें लगाई जा रही है तो भाई मेरिट का मतलब है कि जो जनरल है उसमें मेरिट की जरूरत है। जब रिजर्वेशन आपने दे दिया तो इसका मतलब है कि उसमें मेरिट कम है, उसमें मेरिट जी कम है या नहीं है, फिर उसमें आप मेरिट ढूंढ रहे हैं। 50% कहा गया सीट जो है मेरिट पर आएगा, 50 रिजर्वेशन का आएगा, फिर रिजर्वेशन वाले को मेरिट क्यों ढूंढ रहे हैं? उनका तो क्वालिफाइंग मार्क्स होना काफी है, उनका तो मिनिमम क्वालिफिकेशन लेते हैं। आप कोई भी कंपटीशन के लिए होता है कि आप ग्रेजुएट हो या पीजीटी के लिए टीचर ट्रेंड हो, या आप प्रोफेसर के लिए एमफिल हो या पीएचडी हो या नीट क्वालिफाई हो, तो मेरे पास ऑलरेडी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो फिर रिजर्व कैटेगरी को ये कट ऑफ पॉइंट क्यों लोड किया जा रहा है? ये कट ऑफ पॉइंट इसलिए लगा जा रहा है कि उनका सीट पूरा भरा ना जा सके, उनका सीट को किसी तरह खाली रखने का एक षड्यंत्र है। ये चीज हमारे लोगों को जानने की जरूरत है, ये टेक्निकल चीज है और इस टेक्निकल चीज को हमारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें हमारा सीट पूरा क्यों नहीं भरा, 27% सीट क्यों नहीं भरा। तो नहीं भरने की यही कारण है, यही सब खेल चल रहा है जिसकी वजह से हमारा सीट पूरा नहीं भर पा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विवेक शर्मा जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लॉ के विद्यार्थी है। जी, मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, बोलिए शर्मा जी, बोलिए हेलो शर्मा जी। हेलो। जी, आवाज आ रही है? जी, हाँ सर जी, बिल्कुल जो सर। प्रतिक्रिया, हाँ सर बोलिए सर। जी, जो जो सब बात आप सर ने बताई कि लॉ में आपका एडमिशन नहीं हो जी, पाता, सही अगर इस बताया तरीके आप, से सही है। बाकी बताई कि लॉ में अभी आपका एडमिशन नहीं हो पाता अगर नहीं। ये बात सही है सर। जहाँ भी ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ पे, और वहाँ अगर लॉ के या किसी भी बच्चे को या किसी भी विभाग में अगर इंटरव्यू लेना, अरे सॉरी एडमिशन लेना हो, तो बड़ा मुश्किल से ही मिल रहा है जो है। और जो आरक्षण की स्थिति सर ने बताया जो है, तो वो ऐसा ही हालत है यहाँ पे जो है। और ये वाकई की हालत बहुत दुर्दयनीय है। और जी देखो शर्मा तो जी, ठीक है। विनोद जी आप आप भी इस संबंध में कुछ कहेंगे? विनोद जी, ठीक है, बहुत विनोद जी बहुत आप भी इस संबंध में कुछ कहेंगे? विनोद जी। जी सर, जी जी हेलो, आवाज आ पा रही है मेरी? आ पा रही है मेरी? आ रही है आ रही है। हाँ जी, मैं ये आ कहना रही है आ चाहता रही हूँ कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है। है, पिछड़े वर्ग में जागरूकता के अभाव में पहले ही 54% की जगह 27% आरक्षण मिला हुआ है। ऊपर से जो वकील साहब ने बताया है कोर्ट के निर्णय, कोर्ट का उपयोग बहुत धड़ल्ले से हुआ है हमारे हितों के खिलाफ, और जो ये कोर्ट के निर्णय हैं ये सारे टेक्निकल निर्णय केवल प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए हैं। हमारा जो 54% आरक्षण होना चाहिए पहले उसे 27 किया गया, फिर उस 27 में सामान्य जातियां घुसेड़ दी गई, और फिर इसमें ये कोर्ट के अलग अलग निर्णय टेक्निकल जो बाधाएं पैदा कर दी जा रही है प्रतिनिधित्व रोकने के लिए। इसका एकमात्र कारण है पिछड़ी जातियों में जागरूकता का अभाव, और ये धर्मांधता के चक्कर में आकर के सामान्य जातियों के खेल से अनभिज्ञ हैं और जी उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि इनको टेक्निकली जागरूक करके एकजुट करके अपने जी अधिकारों जी के लिए खड़ा किया जाए। इस जी तरह का खेल हर जगह हो रहा है,
मिलिट्री जो संस्थान है उनमें आप देखो जी। पुजारी भर्ती होते हैं, पुजारी, और पुजारी भर्ती कहीं भी ऐसा नहीं है कि सामान्य जातियों के लिए आरक्षण है, लेकिन आप देख लो वहां पर सारे सामान्य जाति के पुजारी मिलेंगे। इस हिसाब से टेक्निकल उसमें अड़ंगा अड़ा करके प्रावधान करके वहां पे सामान्य शर्मा जाति के पुजारी भर्ती किए गए हैं, वहां पे ना एससी एसटी किसी भी जाति का जो है पुजारी नहीं मिलेगा आपको। तो अभी तक जो सामान्य जातियों के लिए प्राचीन व्यवस्था आरक्षण की थी वो कायम है, और जो माइनर्स आरक्षण से लाभ पिछड़ी जातियों को मिला था उस पर कोर्ट के माध्यम से कुठाराघात जारी है। जब तक हमारा वर्ग जागरूक होके अपनी आवाज को नहीं बुलंद करेगा और इनके हाथ में सत्ता देनी बंद नहीं करेगा, तब तक हमारे अधिकार छीनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जो है हमारा समाज जागरूक नहीं होगा नहीं, तब तक तो इस व्यवस्था पर कुठाराघात होता रहेगा। बिल्कुल जी जी, न्यायपालिका एक हथियार की तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और लगातार हो रही है, सतत हो रही है, और उस पे हमारे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, जो है न्यायपालिका का सहारा लेकर के जो है इस तरह की हरकतें जो है शासक वर्ग जो है इस पिछड़े वर्ग को शासन प्रशासन में आने से रोकने का एक षड्यंत्र करता चला आ रहा है, और हमारे लोग अभी तक भी इस बात पर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जागरूकता फैलाने का काम हमारे बुद्धिजीवियों का है, वकील साहब इसमें हमारा साथ दे रहे हैं, हम सब लोग लगे हैं इस बीच में। हाँ सर, हमारी जागरूकता के अभाव के कारण ही हमारे ही लोग सत्ता दे रहे हैं सामान्य वर्गों को, और वो हमारे हितों पे कुठाराघात बड़े आराम से करते जा रहे हैं। पिछले 5-6 साल में संविधान में जो हमारे प्रावधान थे उनमें 70-80% 90% खत्म कर दिए गए हैं, और लोग अभी भी उन्हीं का समर्थन करने में लगे हुए हैं धर्मांतरण के कारण। जी 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 जी, अब ये बात आपने अच्छी कही है। अब मैं वकील साहब की ओर चलना चाहता हूँ। सर जो है एक बात जो है हमारे चैनल पर भी पूछते हैं लोग, बात हमारे हम हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं, अभी भी एक सवाल पूछा है, क्या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं क्या वो अपने महापुरुषों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, और ऐसे कौन कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने इस पिछड़े वर्ग के हितों के लिए काम किया है, क्या वो उनकी विचारधारा को जानते हैं समझते हैं। और दूसरी बात सवाल ये पूछा जा रहा है कि अधिकांश लोग कहते हैं कि हम महापुरुषों की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, तो वो कौन से महापुरुषों की विचारधारा का अनुसरण करने से जो है इस पिछड़े वर्ग का भला हो सकता है, और किस चीज को अपनाने से उसका भला हो सकता है। ये एक्चुअली ये महापुरुष कहते किसे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोगों को शायद मुझे लग रहा है कि इस तरह की जानकारी भी नहीं है कि उनके कौन से महापुरुष हैं और किन महापुरुषों को अनुसरण करके उनको हक अधिकार हासिल किया जा सकता है, कौन महापुरुष उनके हक अधिकारों में पहले से ही रोड़ा बने हुए थे, कौन से महापुरुष ऐसे हैं जिन महापुरुषों ने उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और उन्हें सशक्त किया, मजबूत किया, संवैधानिक प्रावधान बनाए, शायद उसमें अनभिज्ञता ये पिछड़ा वर्ग महसूस करता नजर आ रहा है। मैं वकील साहब के साथ चलना चाहता हूँ, आदरणीय वकील साहब। थैंक यू प्रोफेसर साहब जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि बहुजन समाज के लोग जो है SC ST OBC, अगर इनको पूछा जाए कि आप अपने 5 महापुरुष के नाम बताइए, तो मुझे तो लगता है कि शायद आप पढ़े लिखे लोग भी ना बता पाए। अगर बताएंगे तो कहेगा कि तिलक होंगे, मदन मोहन मालवीय होंगे, गांधी होंगे, नेहरू होंगे, गोखले का नाम ले लेगा, वो सुभाष चंद्र का नाम ले लेगा, राजा मोहन राय का नाम ले लेगा। लेकिन को पूछा जाए कि आप SC ST OBC के महापुरुष हैं उनमें से कोई उनका नाम बताइए, तो मैं आपको आगे साथ कहता हूं कि अब कुछ है लोग इधर जो यूनिवर्सिटी वगैरह में आए हैं, लेकिन ज्यादातर गांव देहात के लोग या कस्बे के लोग, वहां के पढ़े लिखे लोग भी जो होंगे तो वो 5 महापुरुष SC ST OBC के नाम नहीं बता पाएंगे, ये हकीकत है। फिर आप उनसे पूछिए कि इस व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं तिलक गोखले या राजा राम राय का या आप सुभाष चंद्र का या गांधी का, तो वो आपके लिए क्या किया है, इसका 5 कोई काम बताइए, 5 ऐसे काम बताइए इनके जो इन्होंने पिछड़े दलितों के लिए है, ये काम उनके कुछ भलाई के लिए किया, उनका काम गिनाइए, तो शायद एक काम वो गिना भी ना पाए। तो उनको ये भी पता है कि हमारे महापुरुषों के नाम क्या हैं, और जिस महापुरुष का नाम ये लेते हैं
उन्होंने इनके लिए क्या किया है, इनके भलाई के लिए क्या किया है, उनके पांच काम भी गिना दें तो वो ना गिना पाएंगे। इनको शायद ये न पता है कि हमारे ज्योतिबा फुले कौन है, साहूजी महाराज कौन है, या रामास्वामी पेरियार कौन है, या अपने यहाँ पर काशीराम जी कौन है। अगर नाम ले तो गाली दे करके नाम लेगा, लेकिन उसके काम को अगर नहीं जानते हैं तो गाली देते हैं। अगर काम पता चलना है कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया, तो वो दिन दूर नहीं जब इनके लोग पैर धो करके पीना शुरू कर दें। उसी तरह से आपके स्वतंत्रता सेनानी में लीजिए, तो इनको ये नहीं पता है कि तिलका मांझी कौन है, बिरसा मुंडा कौन है। तो आपके लोगों ने जो पुराने भी हैं या नए हैं या अम्बेडकर हैं, तो इनके बारे में भी इन लोगों को पता नहीं कि इन्होंने हमारे जो लिए काम किया, वो पांच काम भी इनका नहीं गिना पाएंगे लोग। तो जब इनके नाम नहीं जानते हैं या इनके काम नहीं जानते हैं, तो जो वर्ग के लोगों ने इनके प्रति जो जहर घोला है SC ST OBC के प्रति, उस जहर के वजह से ये अपने महापुरुषों को ही गाली देते हैं, उनको ही उल्टा भला बुरा कहते हैं। और जो सामान्य वर्ग के महापुरुष हैं, जैसे तिलक है या मंगल पांडे है, उनके अगर कुकर्मों को जान लें कि SC ST OBC की हमारे खिलाफ उन्होंने क्या किया, खराब काम किया, तो अगले दिन ये फिर उनको गाली देना शुरू कर देंगे। ये तो हमारे लोगों में ज्ञान की, शिक्षा की और अपने लोगों की जानकारी की कमी है। अगर इनको तिलक अंग्रेजों को आप जो मताधिकार का कानून ला रहे हैं और प्रतिनिधित्व का, तो ये जो है टेलीक्वेरी यो क्या संसद में जा करके ये क्या हल चलाएंगे? इनको क्या जरूरत है वहाँ तो जाने का काम ब्राह्मणों का है, हम सवर्णों का काम है वहाँ संसद में बैठने का, पिछड़ों को वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तो ये पहला काम किया था तिलक ने आपके लिए। दूसरा काम उसने कहा कि इन लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है, ये लोग तो मेरा गठरी तो धोने वाला है, मेरे लिए सब्जी उगाने वाला है, मेरे लिए अन्न उगाने वाला है, ये पढ़ लिख करके क्या करेगा, ये करने की क्या जरूरत है? फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि इन लोगों का जो है जितना शोषण हम करें ये उतना हमारे कब्जे में रहे, इन लोगों का धन नहीं हो, संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये गरीब रहेंगे तो हमारी बातों को मानेंगे, अगर इनके पास धन हो जाएगा, बल हो जाएगा, तो फिर ये हमारे से मुकाबला करने लगेंगे, इनकी हालत होनी चाहिए। ये काम तिलक ने, मालवीय ने किया हुआ है। और भी आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं कि ये तो आजादी की लड़ाई की लड़ी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आजाद हिंद फौज का गठन इसने क्यों किया था। अब एक्चुअली पता कि अंग्रेजों ने दलितों पिछड़ों के लिए रेजिमेंट का गठन किया था, महार रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट, इसमें शूद्रों की भर्ती और इसके को जीता था उन्होंने जो आवाज फंस गई सर आपकी आवाज। हाँ, आप कैसी आवाज आ रही है आपकी? हेलो, ठीक आ रही सर। तो ये जो भीमा कोरे गांव का लड़ाई हुआ था 1 जनवरी 1818 में, तो अंग्रेजों ने ये लड़ाई जो जीती थी वो दलितों और पिछड़ों के वजह से जीती थी, क्योंकि इनके सेना में यही लोग भर्ती थे। तो इससे जो है सवर्ण ब्राह्मण समाज को इतना खतरा हो गया कि उसने इस रेजिमेंट का ही खत्म करने के लिए एकदम पूरा जोर लगाया और उसने खत्म करवा दिया। 30-35 में आकर के ये खत्म हो गया रेजिमेंट। तो इनके जो सैनिक थे, इसको जो है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज खड़ी करके इन्हीं लोगों को भर्ती कर लिया उसमें, और उसको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाया, जो कभी वो लड़ते थे अपने हक के लिए अंग्रेजों के साथ मिल करके सामान्य वर्ग के खिलाफ, उसको जो है आजाद हिंद फौज में भर्ती करके और ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया सुभाष चंद्र बोस में। तो आप सोच रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपकी आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, आपको यूज कर रहा था कि अंग्रेज यहाँ से भागे। जो अंग्रेज आपको कानून बना के यहाँ अधिकार दे रहे थे,
आपको यहाँ बराबर का हक दे रहे थे। अंग्रेजों ने यहाँ कानून बनाया 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस कानून के तहत बंगाल का एक नवाब था, ब्राह्मण था, नंद कुमार, सबसे पहली फांसी 1775 ब्राह्मण को। तो आप सोच सकते हैं कि मनुस्मृति के बाद कोई ब्राह्मण को फांसी नहीं हुई थी, देश में कभी ब्राह्मण को फांसी नहीं हुई थी, और अंग्रेजों ने देश में सबसे पहली फांसी अगर किसी दी थी तो ब्राह्मण को दी थी। तो वो सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा काम किया था कि आपको बराबर का अधिकार, बराबर का कानून, बराबर का न्याय दिया था, और पहला फांसी उसने ब्राह्मण को दिया था। तो ये सोच सकते हैं कि आज किसी ब्राह्मण को फांसी आज भी आपका हो सकता है आजादी के बाद? मुश्किल है। वो काम अंग्रेजों ने करके दिखाया था। तो अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणों का, सवर्णों का भड़काव यहीं से शुरू हुआ, और हमारे जो लोग जो ट्रेंड हुए थे, आर्मी में गए थे अंग्रेजों के, उनको करके आजाद हिंद फौज बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़वाया कि आप इनको भगाओ, ये आपके खिलाफ हैं, जबकि अंग्रेज हमारे लिए कितना काम करके आपके सामने है। जो सर आप बताए, जो तिलक ने ये कहा था तेली तमोली कुनवट, ये संसद में जाके क्या करेंगे, क्या वहाँ हल, क्या जमीन है जो हल जोतेंगे वो लोग? तो जो है ऐसे महापुरुष को लोग आज भी हमारे लोग महापुरुष मान रहे हैं, तो क्या है उनको महापुरुष मानना इनके लिए जायज है? जी, तो यही चीज तो जानने की जरूरत है ओबीसी समाज को, कि जो आपको नीच कहता हो, जो आपके अधिकारों को छीन रहा हो, कह रहा है इसको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो वह व्यक्ति आपका महापुरुष कैसे है पहले ये सोचने की जरूरत है। ये पिछड़े दलित समाज को यही तो समझने की जरूरत है कि जिसको आप महापुरुष मान रहे हो, वो महापुरुष आपके खिलाफ बात बोलता है, वो आपके कभी सुख समृद्धि की बात नहीं करता, वो कभी आपकी शिक्षा संपत्ति के खिलाफ बात करता है, तो वो आपका महापुरुष कैसे हो गया? ये समझ पिछड़ों दलितों की यही तो है कमी, कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो हमारे खिलाफत काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारे हितैषी, हमारे महापुरुष कैसे हो गए? तो ये चीज जानने की जरूरत है ओबीसी और एसटीएससी समाज को। जी जी, और एक सवाल इसमें यही मैं आऊंगा फिर शर्मा जी के पास में, छात्र हैं हमारे, सीख रहे हैं, इनको सिखाना भी है हमको, तो वो जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने आर्य समाज बनाया और उन्होंने कहा छुआछूत खत्म होनी चाहिए, वही ज्योतिराव फुले का आंदोलन चल रहा था, ज्योतिराव फुले ने साहित्य सत्य शोधक समाज बनाया था, और उन्होंने 1873 में, उन्होंने 1875 में काउंटर करके आर्य समाज की स्थापना किया। तो अधिकांश लोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने भी अछूतपन दूर करने के लिए काम किया था, कि ज्योतिराव फुले के द्वारा चलाए गए आंदोलन का और दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाए गए आंदोलन का, इनके बीच में संबंध स्थापित, उनका दोनों का संबंध किस प्रकार का संबंध था, उनका अछूतो द्वार किस तरह का था, उनका किस तरह का था? ये भी एक महापुरुषों की श्रेणी में दोनों को दोनों है हमारे, ये हमारे बैकवर्ड क्लास के महापुरुष हैं, पूरे संसार के, पूरी मानवता के महापुरुष हैं, जो मानवता कायम करने वाले हैं, और एक लिमिटेड कहते हैं वेदों की ओर लौटो, इस तरह की बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। मैं बताऊं? जी हाँ जी, आप ही बताएं। हाँ, अब देखिए कि 1860 में अंग्रेजों ने कानून लाया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत कोई भी संस्था का पंजीकरण भारत में हो सकता था। जैसे कांग्रेस का जो पंजीकरण हुआ था 1885 में बना था, वो इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। 1870 में ज्योतिबा फुले ने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसका पंजीकरण इसी कानून के तहत 1870 में किया था उन्होंने। फिर इस सत्य शोधक समाज को काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती को बुलाया गया, और वह जो है गुजरात से उसको बॉम्बे लाया गया, इसलिए कि ज्योतिबा फुले जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहां पर उनको काउंटर करने के लिए दयानंद सरस्वती को लाया गया, और उसने आर समाज की स्थापना की 1875 में इसी कानून के तहत। अब ये था कि जो ज्योतिबा फुले थे वो सारे पिछड़े दलितों को इकट्ठा किए थे कि हमें ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, अपना काम हम खुद करेंगे, जितने भी संस्कार हैं या पूजा पाठ है वो सारा अब
जो है दलित और पिछड़े अपने ही करेंगे, अपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिए थे, उनको एजुकेशन दे करके उनको पूजा पाठ करना सिखाया, उनको जितने भी विवाह शादी होते हैं इनके सारे संस्कार करने बताए, तो पुरोहितों का काम उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये जब देखे हैं ब्राह्मण लोग की अब ज्योतिबा फूले जो है पिछड़ों में इतनी जागृति ला दिए हैं कि जिससे हमारा तो सत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो इसको खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो वो जो है दयानंद सरस्वती को लाए, तो उन्होंने कहा भाई जो वैदिक धर्म में वेदों में जो छुआछूत है जो पाखंड है हम भी उसको नहीं मानते हैं, अब हम एक नया आर्य समाज का स्थापना किए हैं और इसमें जो है हमारा चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो तो हम सभी बराबर। तो ये सब जो है एक, और उन्होंने जनेऊ संस्कार नाम का एक चलाया कि आप जनेऊ पहन सकते हो, किसी को भी जनेऊ पहनने का अधिकार है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी पिछड़े दलित समाज के लोग फिर से वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दोबारा वो वापस आ गए, जो सत्यशोधक समाज के माध्यम से जो काम किया था ज्योतिबा फूले ने उसको न्यूट्रलाइज करने का काम फिर दयानंद सरस्वती ने किया, और उसके जितने भी गैंग के लोग थे उसने फिर से इन लोगों को वापस ब्राह्मणी व्यवस्था में जोड़ने के लिए वो आर्य समाज की स्थापना करके और फिर उनको वापस वहीं ले गया। तो ये काउंटर करने के लिए लाया गया था, सत्यशोधक समाज और फूले जी के कार्यों को काउंटर करने के लिए लाया गया था। जी, शर्मा जी से सवाल पूछना था। शर्मा जी नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण निकल गए, तो मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, जो सर कह रहे हैं जो है कि जब जब जो है पिछड़े और बैकवर्ड के लोगों में चेतना आती है और उस चेतना के लिए कोई ना कोई महापुरुष काम करता है, उसको काउंटर करने के लिए तुरंत कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाता है, तो वहां पर टिकने में इनको बड़ी दिक्कत होती है, तो वो कैसे टिकेंगे इसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव हमें शेयर करिए। इसमें सर शुरू से लेके अंत अब तक यही रहा है, जब जब पिछड़े और दलित वर्ग में कोई जागृति आई है तो उस जागृति को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई उपाय इन लोगों ने ढूंढ लिया है। और अभी भी ये लोग, इन्होंने हिंदू धर्म को मानना कोई ज्यादा दिन से शुरू नहीं किया, हिंदू को जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया है ये ज्यादा पुराना एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा भी इन्होंने सोच समझ के चलाया है कि सभी पिछड़ी और दलित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति होनी शुरू हो गई है, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के ये सामने आ गई। तो हमारे लोगों को, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, बहुत अपने पिछले इतिहास को भी समझकर और वर्तमान को भी समझकर बहुत ही व्यापक रणनीति बना करके काम करने की जरूरत है। अपने अधिकारों को हासिल करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए, और हमें भी धर्म से जोड़कर, मतलब धर्म के वास्तविक रूप को परिभाषित करके और उसी से जोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। और इनके इनके जितने भी हमारे हितों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हैं, उन जो प्राचीन षड्यंत्र हैं और वर्तमान षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको उजागर करते हुए, अपने अधिकारों पर बल देते हुए हमें समाज को आगे लेके आना चाहिए। जी, क्या देखिए यहाँ और ये महापुरुषों षड्यंत्र तो बदस्तूर जारी रहेंगे। अभी भी हमारे सामने जो तो सरकार में प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया है वो पिछड़ा बना के पेश किया गया है, और अभी तक भी लोगों को लगता है कि पिछड़ा है और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि पिछड़ों के तो अधिकार छीने जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिकार छीनने की जो है प्रक्रिया तेजी से जारी है, और जब जब इनके अंदर जागृति आई तब तक इनकी जागृति को खत्म करने के लिए तो इनको, अब ये इनके इनके पिछड़े वर्ग के लिए जो है इनको कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी इस पर विचार करना है, कैसे मतलब उनके अंदर स्थिरता इसमें आएगी। एक चीज और है सर, जो हमारा पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित समाज है, उसका जो सोचने समझने का नजरिया है वो इतना प्रभावित है पिछले 4 युगों से लेके अब तक, कि वो लोग इनके षड्यंत्रों को वहां तक नहीं समझते जहां तक ये षड्यंत्र करते हैं, और वो समझ समझ उसकी व्यापक की जानी अपने समाज के लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये कर सकता है हमारा बुद्धिजीवी वर्ग ही, खुद समझे और अपने समाज को उस हिसाब से लेके चले। जी, एक सवाल फिर मैं सर के पास लेके चलूंगा। जैसे कुछ लोग ये कहते पाए हैं कि मैं तो ज्योतिराव फूले को मानता हूँ, कुछ लोग ये कहते पाए कि मैं तो बाबा साहब का अनुयायी हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं तो पेरियार का परम भक्त हूँ, कुछ लोग ये कहते पाए कि मैं तो जो है ललई यादव का परम भक्त हूँ। तो यहाँ पर मेरे समझ से तो ये एक भक्त तो है, उन्होंने
उनको तो आप मानते हो, लेकिन उनकी कितने मानते हो? क्या आपने उनके दिए हुए संदेश को माना या आत्मसात किया? आप उनको तो जानते हैं, उनके भक्त हो सकते हैं, उनके अनुयायी हो सकते हैं, और क्या आप उनके बताए रास्ते का अनुसरण भी करने वाले हो सकते हैं? क्या आप उनके रास्ते का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बनाते हैं, अपने समाज का जीवन सफल बनाते हैं? ये भी सारे ये प्रश्न बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। उनका नाम तो जानता है, उनका नाम भी लेता है, उनके नाम पर राजनीति भी करता है, उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां भी सेकता है, और उनके नाम पर बहुत सारा चंदा भी बटोरता है, और यही इतने नहीं, उनके नाम पर बड़े बड़े ट्रस्ट भी खड़े कर ले रहा है। क्या उनकी बातों का अनुसरण करता दिखाई दे रहा है समाज? क्या समाज उनकी बातों पर चलकर दिखाई दे रहा है? यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी हमको क्या करना पड़ेगा? मैं वकील साहब से फिर इसमें डिटेल से जानना चाहूंगा। जी सर। हाँ प्रोफेसर साहब, जैसा अभी विनोद जी भी बात अच्छी कही अपने समाज के बारे में, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपने भी जिसे कहा कि हम भक्त बनते हैं, जैसे कोई मैं अंबेडकर भक्त हूँ, कोई कहता है मैं राम भक्त हूँ, कोई कहता है कि मैं तिलक का भक्त हूँ, कोई कहता है पेरियार का भक्त हूँ जैसे, या कोई ललित जी का भक्त, लेकिन उनको यही नहीं है कि आप भक्त बने हो तो भक्त बनने का आधार क्या है, किस बात को लेकर के भक्त बने हो, क्या जानते हो उनके बारे में। अगर सच्चाई के कार्यों के बारे में लोगों को पता चल जाए, अगर इनके पांच अच्छाई और पांच बुराई इनको बता दिया जाए तो भक्ति इनका दिल में निकल जाएगी सारी। अब अगर लोगों को राम की बता दें कि भाई आप क्यों राम भक्त बने हुए हो, तो राम के पांच कार्य गिना लो, कोई ऐसे पांच कार्य जिसमें आपको भक्ति नजर आती हो करने लायक हो, या आप पेरियार जी के पांच काम ऐसे बता दो जो आपको भक्त ना बनाते। तो हमारे लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि वो खाली ऐसे ऊपर ऊपर हर चीज बात करेंगे, वो कहेंगे वेद अच्छा है, गीता अच्छा है, रामायण अच्छा है, लेकिन तुमने पढ़ाया क्या? तो सीधे मुंह ताकेगा वो, उसको पूछ लीजिए रामायण में पांच ऐसी बातें लिखी हुई बता दो जो तुम्हारे भले की हो। अगर महाभारत में आप ऐसी पांच, गीता में पांच ऐसी बातें, या वेद की पांच ऐसी बातें बताओ जिसमें लिखा हो पिछड़ों दलितों के हित के लिए ये बात है, तो उनको ये नहीं पता है, लेकिन उसके लिए वो लठ चलाने को तैयार है, उनके लिए वो दंगा फसाद करने को लिए तैयार है। अगर उनको ये पूछा जाए कि आप अपने महापुरुष में जो है ललित जी के बारे में क्या नहीं जानते हो, क्या जानते हो, तो एक शब्द नहीं बताएगा। तो सबसे दिक्कत है कि हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में, बस मान लिया, किसी ने कह दिया ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज ये प्रवचन करेंगे, प्रवचन में कह देंगे, बस इसको सोचना नहीं है, इसे तुम मान लो, इसे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे तुम इसलिए नहीं मान लो कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या बहुत बड़ा भगवान हूँ तुम्हारा, तुम हमारी भी तरफ सोचो पहले, उसको परखो, उसको जांचो, अगर वो समझ में आए तो मानो, नहीं तो मेरी बात को भी आप नजरअंदाज करो। तो खुद बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कहता है मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। तो यहाँ जो अच्छे बात है, और हमारे लोगों को यही समझ नहीं आती है, आज बताता है कि साइमन कमीशन आया था, फलाना मूवमेंट हुआ था, लेकिन उसको अगर किसी से पूछिए कि ये हुआ क्यों था, साइमन कमीशन को भगाया क्यों गया था भाई, अगर आप साइमन कमीशन का उद्देश्य लोग पढ़ेगा तो पता चलेगा कि हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। तो हमें इस चीजों को बताया नहीं जाता है, उसकी असलियत को, कि हमारे फायदे में कौन था, हमारे नुकसान में कौन था। तो हमारे लोगों को जब तक ये चीज नहीं पता चलेगी कि कौन कौन सी बातें हमारे पक्ष की हैं, हमारे विपक्ष की हैं, कौन लोग हमारे लिए काम कर रहे थे, कौन लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो जब तक ये समझ में नहीं आएगी हमारे लोगों को। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हुए भी डरते हैं, डर के बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वह जो समाज है विरोधी समाज, उसने साम दाम दंड भय भेद पूरा अपना फैला रखा है, तो कोई अगर बोलना भी चाहे तो उसको अपना वो दाम दंड भय भेद के माध्यम से उसको चुप करा देगा, या फिर उसके को रास्ते से हटा देगा,
तो एक डर भी होता है लोगों को समाज में इस तरह की परेशानी की, सत्ता भी आज उसी का है, सत्ता में बैठे भी लोग उसी के हैं और रोड पर भी उन्हीं के लोग घूम रहे हैं। तो ये सारे लोगों ने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि लोग अपनी चीजों को जानना चाहें, बताना भी चाहें, वो बोल सकते हैं। अब कई लोग जो है मीटिंग में आप देखे होंगे कि आ करके भी लोग चले जाते हैं, क्यों? उन्हें लगता है कि ये वीडियो कहीं चला जाएगा अगर कहीं बाहर, तो लोग उसको देख लेगा कि ऐसी प्रवचन में ऐसी गप में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये सही चीजें हैं जो हमारे लोगों को रोकता है हर चीजों में। और एक बात है कि हमारे लोग जो है जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए अभी कई चीजों में डिपेंडेंट है उन वर्गों पर जो हमारा विरोधी है, चाहे उनके फैक्ट्री में काम करता हो, चाहे उनके खेतों में काम करता हो, चाहे उनके ठेकेदारी में काम करता हो। तो हमारा लोग कई डिपेंडेंट है वहाँ, तो वो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए मजबूरी है कि वो अपनी बात वहाँ रख नहीं सकते, अपनी सोच दिखला नहीं सकते, और कई बार तो उनके लठ लेकर के भी उनको उनका धार बनना पड़ता है। कह दिया चलो जुलूस में है, अगर कह दिया कि करना है तो दंगा फसाद जाना है, नहीं जाएगा तो उसको रोजी रोटी का सवाल है, उसके ऊपर अत्याचार भी हो सकता है। तो हमारे लोग कई ऐसे मायने में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, ये समस्या है हमारे लोगों के साथ। जी 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 जब सर एक सवाल जो है यहाँ पर जो है और आया है और चाह भी है, जो अभी देख रहे हैं बड़ा जोर शोर हो रहा है, बड़ा प्रचार भी किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो इस नई शिक्षा नीति में नया क्या है और इस पिछड़े वर्ग पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आप यहाँ एक शिक्षक हैं अपने बीच में और एक आप हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और इस तरह से जो है हम भी प्रोफेसर हैं, हम भी पढ़ाते हैं, तो क्या पिछड़े वर्ग के जो है लोगों पर इस नई शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मैं आपके विचार आज के इस 20 मिनट के समय में मैं चाहता हूँ। जी सर। साथियों जैसे आपने सुना होगा कि जो है नई शिक्षा नीति के बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति एक 1986 में बनी थी और उसके बाद जो है अब नई शिक्षा नीति बनी है और अब उसका खूब जो है गुणगान भी किया जा रहा है, कितना वो कारगर साबित होगी ये तो समय बताएगा। सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या नई शिक्षा नीति के बारे में हमारा पिछड़ा वर्ग अवेयर है कि नहीं और उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी देखिए, सबसे पहले शिक्षा नीति जो है 1968 में कोठारी कमीशन के नाम से बना था जी। उस कमीशन ने लाया, उसको रिव्यू किया 86 में, 92 में थोड़ा अब आई है। एक्चुअली देखिए ये एक लोगों को दिखावे के लिए है, मन बहलाव के लिए है जी। वो जो कोठारी कमीशन ने जो बनाया शिक्षा नीति, उससे हमारे लोगों को भागीदारी क्या मिल गई शिक्षा में जी। या और जो अब आया है क्या होना है? देखिए अब ये सरकार जो है कुछ करती है कुछ। इस सरकार का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको पता ही नहीं चलने देगा वो चाहता क्या है। इस सरकार करेगी कुछ, जो कहेगी वो करेगी, और जो करेगी ये सरकार वो कहेगी नहीं। तो आपको जो नीति के नाम पर देखें, सबसे पहली बात अब कहा जा रहा है, पहले 10+2 था 12 क्लास की पढ़ाई, 12 क्लास के पढ़ाई जो 10+2 हुआ करता था उसी को अब ब्रेकअप में दिया है। वो भी 10+2 में था कि 5 साल को था, फिर 3 साल का वो मिडिल। आवाज फंसना शुरू हो गई सर। हाँ हाँ, अब कैसी आवाज है? ठीक है सर। हेलो, ठीक हो गई। तो पहले जो शिक्षा 10+2 था तो उसके भी वही थे कि 5वीं क्लास तक पढ़ना है, फिर 8वीं तक मिडिल स्कूल पढ़ना है, 5वीं तक था प्राथमिक प्राइमरी, फिर 8वीं तक मिडिल था, फिर 9वीं 10वीं को वो माध्यमिक शिक्षा बोलते थे सेकेंडरी एजुकेशन, और 11वीं को हायर सेकेंडरी, अब 12वीं को सीनियर सेकेंडरी बोला जाता है जो अभी चल रहा है। अब नई शिक्षा जो आपको एक आया है 5+3+3+4,
तो उसी धारा को अब नए तरीके से पेश किया जा रहा है, ये उसको अब 15 कर दिया है, जो 12 पहले होता था, 5+3+2+2 इस तरह था 12 क्लास, अब उसको 5+3+3+4 किया। अब देखिए यहाँ क्या खेला है, पहली क्लास से प्राइमरी स्कूल में जाते थे बच्चे, पहली क्लास में, उससे पहले के बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजा जाता था, जो नर्सरी है या आपको प्रिपरेटरी बोलिए या केजी बोलिए, ये जो है पहले अभी के समय में वो नर्स जो आपको आंगनबाड़ी में हो रहा है, जो अच्छे घर के लोग हैं उनके लिए स्कूल खुले हुए हैं, गली मोहल्ले में उनके लिए स्कूल खुले हुए हैं, बहुत सारे नर्सरी स्कूल खुले हुए हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनके बच्चे को आंगनवाड़ी में भेज करके वो पूरा किया जाता है, जो केजी का है या आपका नर्सरी का क्लास है। तो सरकार ने क्या किया है कि उसको जोड़ दिया इसी में, अब पहली दूसरी क्लास को ले गया है नर्सरी में काट के, तो कहने का मतलब है कि 3 साल जो बच्चे पहले आंगनवाड़ी में रहते थे, नर्सरी KG 1 KG 2, 3 साल जो नर्सरी में रहते थे बच्चे, तो उन बच्चों को अब पहली दूसरी वहीं पढ़ाया जाएगा नर्सरी में, तो ये 2 क्लास यहाँ से कट के चला जाएगा, प्राइमरी से वहां चला जाएगा वो आंगनबाड़ी में, तो 5 साल हो गए वहां। अब आपके प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे आएंगे वो तीसरी क्लास में आएंगे, तीसरी चौथी पांचवी पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ तक कह गया है कि जितने भी स्कूल हैं खासकर सरकारी स्कूल, वो पढ़ाएंगे अपनी मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, राष्ट्रभाषा में, मतलब उनका कहने का मतलब यहाँ पर आपको अंग्रेजी में नहीं पढ़ना है, अगर भारत में है तो आपको भारत में कहीं हिंदी है, कहीं उर्दू है, कहीं बंगाली है, कहीं मद्रासी है, जो भी है तमिल है तो गुजराती, उसके भाषा में पंजाबी उसमें पढ़ेंगे, उनको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ ये चीज है कि वो सिर्फ सरकारी पर लागू कर रहे हैं, प्राइवेट वालों पर ऐसा कोई कानून नहीं है, ये प्राइवेट पर लागू होगा नहीं होगा इसका कोई पक्का नहीं है, उसमें दे दिया है कि ये मर्जी है, प्राइवेट वाला करना चाहे तो करें। कहने का मतलब है कि जो अधिकारी है, जो नेता है, उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे और वो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेंगे, वो अभी भी चालू रहेगा, सिर्फ आपके बच्चे जो गरीब जो किसी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे थे पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी से, अब उनको कहा जा रहा है कि आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे, आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको अंग्रेजी में नहीं पढ़ाऊंगा सरकारी स्कूल में, अब वहां की जो लैंग्वेज वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। फिर आपको जो है 6वीं 7वीं 8वीं 3 क्लास जो आएगा, 5 के बाद जो +3 आएगा, अब उसमें कहा जा रहा है ये आपको जो है मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में आपको अंग्रेजी मीडियम से नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ आप यहाँ चाहें तो यहाँ चाहें आपको अंग्रेजी, लेकिन आपको मीडियम के रूप में अंग्रेजी नहीं मिलेगा, और साथ में 6वीं 7वीं 8वीं में आपको अपने पेशे से संबंधित एक एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अगर आप कारपेंटर हैं तो आप लकड़ी का काम पढ़ाया जाएगा, अगर आप लोहार हैं तो काम पढ़ाया जाएगा, अगर आप मिल्कमैन हैं तो आपको जो है मवेशी पालन का काम सिखाया जाएगा, आप कारपेंटर हैं तो का काम सिखाया जाएगा, और लड़कियों को जो है यहाँ पर जो है वो होम साइंस, खाना बनाना, सिलाई पढ़ाई बुनाई जैसा चीज 6वीं 7वीं 8वीं में एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा, तो और साथ में कहा गया है कि 8वीं तक तो हो सके तो संस्कृत एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी हो, तो संस्कृत पढ़ाया जाएगा, चाहे उसका बाद में आपके जीवन में कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग हो या ना उनका कितना टीचर बहाली होगा संस्कृत के नाम पर, वो 8वीं तक जो है टीचर की बहाली होती रहेगी, तो ये कंपलसरी बात की। फिर आपको 9वीं क्लास में, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को वही +4 कर दिया,
में पहले होता था कि साइंस और सोशल साइंस है, मैथ है और दो लैंग्वेज पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, मिलाकर सब पढ़ने हैं। तो वो भी है कि आप अपने चॉइस से, कॉम्बिनेशन अब नहीं है, चॉइस से चाहे तो रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ भी आपको दिया गया है कि आपका जो है मीडियम नहीं रहेगा सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल में आपको हिंदी मीडियम पढ़ाया जाएगा, आप अंग्रेजी एक साइड लैंग्वेज के रूप में पढ़ना चाहें, एक ऑप्शनल के रूप में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये चीज होगी। और 10वीं खत्म कर दिया गया है, 10वीं का बोर्ड नहीं होगा, अब हाफ ईयरली जो है एनुअल पेपर होंगे, उसी के बेस पर आपको 9 से 10 जाएंगे, 10 में भी हाफ ईयरली और एनुअल होगा, फिर 11वीं में जाएंगे, 11वीं में भी हाफ ईयरली और एनुअल होगा, फिर 12वीं में जाएंगे। अब 12वीं में आपका जो है फाइनल एक बोर्ड होगा लास्ट में। तो ये तरह का ये है। तो ये एक वही कहावत है कि जो है पुरानी शराब है और नई बोतल है, उसको पैकेजिंग नया करके लोगों को परोसा जा रहा है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आपको अब प्राइमरी लेवल पर इतना पंगु कर दिया जाए, खास करके सरकारी स्कूलों के क्षेत्र में, कि कल को लोग अंग्रेजी यहाँ पहले तो प्राइवेट में उन्हीं लोगों का स्कूल चलेगा, भक्ति निकेतन चलेगा, आरएसएस का स्कूल खुलेंगे वो चलेगा, या हो सकता है वो सरकारी स्कूल को फिर वो कह देंगे ये स्कूल हम ही दे दो पीपी मॉडल में, और वो स्कूल हो सकता है वो सरकार से अपने ले लें, जैसे महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र का एमसीडी ने वहाँ का जो काउंसिल जो है उसने दे दिया है वो लोकल आरएसएस लीडरों को, महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों को, तो उसी तरह से ये स्कूल ले लेंगे सरकारी, फिर वो अंग्रेजी मीडियम अपना करेंगे, जिनके पास पैसा होगा उनसे वो कमाई करेंगे, वो पढ़ाई करेंगे, और जो जिनके पास पैसा नहीं होगा उनको पढ़ाई से कैसे रोकना है, वही जो तिलक कहता था, जो जीवी पंत कहता था कि इन लोगों को पढ़ाने की हमें क्या जरूरत है, इन लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है, इन लोगों को तो मूर्ख रखना है, इनसे हमें सेवा लेना है, और सेवक को पढ़ने की क्या जरूरत है, पढ़ने का अधिकार उसने कहा था कि हमें सिर्फ ब्राह्मणों और सवर्णों को है। तो ये सब षड्यंत्र इसमें छुपा हुआ है, इसी षड्यंत्र को लागू करने का तरीका ये लाया गया है। जी यहाँ शर्मा जी हैं, विद्यार्थी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के ऊपर जो है नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए। शर्मा जी, पिछड़े वर्ग पर इस नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पिछड़े वर्ग पर इस नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सर, नई शिक्षा नीति का? सर नई शिक्षा नीति का सर प्रभाव यही है कि पूरी तरीके से इसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन में है क्या कि जिनके पास पैसा होगा वही जाके शिक्षा लेंगे, और प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है सर, क्योंकि सरकारी रहेगा तो आपको आरक्षण मिलेगा और प्राइवेट कोई सेक्टर कोई आपको आरक्षण देने वाला नहीं। तो सीधी सीधी बात है कि जो नई शिक्षा नीति है ये कहीं न कहीं पिछड़ों के विपरीत है, उनके हक और अधिकार के खिलाफ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, और लेकिन ये है कि जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास शिक्षा व्यवस्था के लिए उतने संसाधन होंगे, वही जाके इन सारी चीजों को ले पाएगा। तो पिछड़े वर्गों के लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो है नई शिक्षा नीति कहीं से जो है फायदे के लिए है। विनोद जी आवाज सुन रहे हैं? विनोद जी उनका वीडियो ऑफ हो गया, हाँ वीडियो ऑफ हो गया। विनोद जी, हाँ सर, नेट ये नई शिक्षा नीति का जो है पिछड़े वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता दिखाई देगा आपके हिसाब से? सर अभी तो
जिस रूप में इसको लाया जा रहा है वो तो बड़ा वादे तो बड़े लुभावने हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन पे काबिज आइडियोलॉजी है उसकी मंशा उसकी कार्यशैली से दिखाई दे रही है पिछले काफी दिनों से, और ऐसा लग रहा है कि इस नीति के माध्यम से भी दलितों और पिछड़ों को वही चार युग पहले ले जाने का षड्यंत्र है, और वास्तव में क्या रूप होगा इसका वो तो देखने से पता चलेगा, लेकिन अभी थोड़े थोड़े इसको जानने से समझने से संकेत मिल रहे हैं कि इसमें भी ईमानदारी स्पष्ट नहीं है और पिछड़ों को और दलितों को वही चार युग पहले ले जाने की कार्य योजना हर तरफ से इन लोगों की है ऐसा लगता है। आप तो जो है इस बात को बड़ी भारी परिचित हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसा माध्यम है कि नेतृत्व तो पैदा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो इस दबे कुचले वंचित समाज में जब से शिक्षा का अधिकार मिला तब से जो है शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी, कुछ न कुछ नेतृत्व तो आया आता दिखाई हुआ है, तो वो पूरा आया नहीं, आने से पहले ही जी जो अब तक मिला है जब वही इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आगे कहाँ दे देंगे ये कोई ना कोई इनके ये हर हर मामले में चाहे कोर्ट का माध्यम हो शिक्षा नीति का माध्यम हो पॉलिटिक्स हो सामाजिक व्यवस्था हो आर्थिक व्यवस्था हो हर माध्यम से पिछड़ों और दलितों को के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश सत्ता पर काबिज आइडियोलॉजी वाले लोगों की है और इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं तो इन्हें सख्त की नजर से देख रहा हूँ। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है अब समय समाप्ति की और थोड़ा कंक्लूजन की ओर हम बढ़ेंगे। राजेंद्र साहब सर, अभी हम डिस्कशन किए थे कि आरक्षण में घोटाला घपला षड्यंत्र और उसी तरह से हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लोग कहते हैं, हम महापुरुष को जानते हैं मगर क्या उनको मानते भी है कि नहीं, इस पर विचार हुआ। उसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति बनी और शिक्षा से नेतृत्व बनता है, इस नेतृत्व को रोकने के लिए जो बहुत तमाम तरह के षड्यंत्र बताए गए, इस पे चर्चा हुई, तो इस सब बातों का कंक्लूजन निकालते हुए जो है मैं एक बात फिर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज का मूल सार क्या हो सकता है जिससे कि पिछले दबे कुचले वंचित समाज का भला हो जाए। आज आदरणीय राजेंद्र साहब का। हाँ देखिए, एक तरफ तो ये कह रहा है कि आप क्षेत्रीय भाषा में मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाया जाएगा, तो इसका मेन मकसद है सरकारी स्कूल में व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, तो जो भी अच्छे गार्जियन हैं सक्षम हैं वो अपने बच्चे को वहां सुधार करके चले जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, वहां पर वो मजबूत लोग रह जाएंगे जिनके पास कोई जुगाड़ साधन नहीं है उनके बच्चे रहेंगे। अब जितना भी कंपटीशन होता है उस कंपटीशन में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आईएएस में अंग्रेजी मार्क्स का भी होता है, लेकिन है उसमें आप अगर किसी भी का सर्विस रेलवे का सर्विस के ले लीजिए या और भी असिस्टेंट ग्रेड का लीजिए एलडीसी यूडीसी, उसमें एक कंपटीशन में 25-30% नंबर होता है जो अंग्रेजी से रिलेटेड होते हैं कि अंग्रेजी में पैराग्राफ पढ़िए उसका जवाब दीजिए, उसके ग्रामर से सवाल होता है, वो कहीं आपको नहीं रहता है कि आप मातृभाषा में पढ़ के आए हैं तो अंग्रेजी की जगह पर मातृभाषा का पैसे रहेगा, मातृभाषा का ग्रामर रहेगा और उसके जवाब देंगे। कंपटीशन तो ये लेंगे लेकिन वही पढ़ाई का तो कहेंगे कि हिंदी में करवाएंगे आपको, तो ये षड्यंत्र को आप समझना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। अच्छा आपको आपको आपने आपको सब कुछ मिलेगा, संविधान में सब कुछ आपके लिए कर दिया है, लेकिन आप संविधान के हिसाब से अपनी सामाजिक सत्ता तैयार करो जी। आप उसके बाद राजनीतिक सत्ता पकड़ो, जब तक राजनीति आपके हाथ में नहीं आएगी, आपको राजनीति सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अगर राजनीति पर पकड़ हो गई तो फिर आप शिक्षा भी ले सकते हैं, रोजगार भी ले सकते हैं, आप अपना हेल्थ भी करा सकते हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकास करा सकते हैं, तो आपको सत्ता पर कब्जा करना है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है,
हमारे लोग आजकल बोलते हैं कि एमएलए एमपी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो बयान ये सवर्ण समाज के लोग देते हैं। तो हमारे लोग को समझने की जरूरत है क्यों ऐसा बोल रहा है। और आपके संविधान पढ़ने वाले जो है 32 डिग्री लिए हुए था और दर्जन भाषा जानते थे, वो उस व्यक्ति ने ऐसे सोच के बनाया था संविधान, लेकिन हमारे अनपढ़ लोग कहते हैं कि संविधान गलत है। तो हमारे लोगों को संविधान समझना चाहिए कि आपको अगर कुछ करना है तो सत्ता आपके हाथ में चाहिए, और सत्ता लेने के लिए आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एकजुट हो जाइए, सामाजिक एकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जरूरी है, राजनीति सत्ता के लिए सामाजिक सत्ता जरूरी है, राजनीतिक आंदोलन के लिए सामाजिक आंदोलन जरूरी है। तो पहले आपका सामाजिक आंदोलन हो, सब इकट्ठा हो जाए और सत्ता पर कब्जा कीजिए, राजनीति पर कब्जा कीजिए, फिर आप चाहे तो सारा स्कूल नर्सरी से इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दो, फ्री में एजुकेशन दीजिए, फिर आप अपना हॉस्पिटल बनाइए, फ्री में एजुकेशन दीजिए, उसका इलाज कराइए, और सारे जितने भी प्राइवेट कंपनी है सभी कंपनियों को इंदिरा गांधी की तरह दोबारा राष्ट्रीयकरण करके सबका सरकारीकरण कर दीजिए। ये करने का पावर सिर्फ राजनीतिक पावर को है, राजनीतिक सत्ता को है। तो सबसे पहले आप राजनीतिक सत्ता को हटाइए और सब चीज को दोबारा वापस सरकारीकरण करके राष्ट्रीयकरण करके अपने कब्जे में लीजिए, फिर आप वहां पर अपना आरक्षण दीजिए, 27% ओबीसी को नहीं बल्कि 54% दीजिए उसको, पूरा SC ST का जो जनसंख्या बढ़ गया तो उसको भी बढ़ा करके दीजिए, और सवर्ण आबादी अगर 10% है तो उसको 70% से नीचे ला करके 10% उसको हर जगह दीजिए। तो ये तभी होगा जब सत्ता आपके हाथ में आएगी, और उस सत्ता लेने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक संविधान में दे रखा है, तो उसके माध्यम से सभी SC ST OBC आप जो भी जाति हैं, वर्ग में हैं, जो पैसा है करिए, नहीं रोक टोक है, लेकिन आपस में एक आदर सम्मान भाईचारा आप लाइए, आपके बीच में एकता होनी चाहिए, और आपका कोई भी जाति का कैंडिडेट हो, ओबीसी का है तो ओबीसी होगा, एससी का है तो एससी का होगा, वो जाति का कैंडिडेट नहीं होगा, और उसको पूरा मिलकर किसी पार्टी कैंडिडेट को नहीं, अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लाने की जरूरत पड़े तो अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लाइए, और इकट्ठा होकर के पार्टी को जो कैंडिडेट दे रखा है, हमारे दलालों को, हमारे गद्दारों को, उनको हराइए। हमारा आदमी किसी पार्टी से टिकट ले लिया इसका ये नहीं मतलब कि हमारे लोग हैं, वो हमारे दलाल हैं और जो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं आज। तो इसीलिए जो हमें ऐसे लोगों को, पार्टी के नेताओं को, लीडरों को, कैंडिडेट को हमें अपने इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा करके, कैंडिडेट खड़ा करके उसको विजय दिलानी है, ताकि इकट्ठा होकर के सत्ता हत्याए, राजनीतिक सत्या आएगी, फिर आप चाहें तो जो शिक्षा लाना है, जो स्वास्थ्य लाना चाहे, जो वो सब आपको मिल सकता है। जी जी, तो यही बात, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। सर आपने बहुत अच्छी बात की, सामाजिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता बनेगी, और हमें सबसे पहले जरूरी है कि सामाजिक सत्ता हमें स्थापित करनी है, भाईचारा के आधार पर एक सामाजिक व्यवस्था हम अगर कायम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है सामाजिक सत्ता के साथ साथ राजनीतिक सत्ता में विकास आएगा, वो हमारे लिए हक अधिकार और कानून सुरक्षित करेगी, बनाएगी। और ये जो है कार्यक्रम जो चलता है, जागृति का एक अभियान है साथियों, इस जागृति के अभियान का आप हिस्सा बनिए। अपनी बात अगर कोई हमारे साथी अपना रखना चाहता है तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर हमें व्हाट्सअप कर देंगे, यदि कोई हमारे साथी इस हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके हमें विचार देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, इस ओबीसी और पिछड़े वर्ग के SC ST OBC के इनके हक अधिकार के संबंध में जो दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं उनसे संबंधित कोई बातें, सुझाव या इस तरह का कोई प्रोग्राम देना चाहते हैं साथी, हमारे इस 9415973984 नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम उनको अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने का कष्ट करेंगे। और ये कार्यक्रम विनोद जी की एक बात से समापन मैं करना चाहूँगा। विनोद जी, अभी सर ने बताया कि जो है सामाजिक सत्ता स्थापित करनी होगी, जो हमारे ये खासकर इस कसब समाज के बारे में मैं दो लाइन आपको सुनना चाहूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी 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 विनोद जी, सर आवाज साफ नहीं आ रही सर। आवाज ये है कि जो है सामाजिक सत्ता स्थापित करने के लिए सभी पिछली जो जातियां में ये कसब निषाद वंश का जो समाज है ये बहुत ही पिछड़ा है, जो हमारे महापुरुषों को नहीं जानना चाहता, इसके संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे समझेगा।
इसके लिए सर हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको ये समझने की जरूरत है कि समाज को समझाया कैसे जाए। समाज जो चीज समझ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहा है उसको तरीके से समझाने की जरूरत है। और असंभव ये काम नहीं है, अब बहुत संभव काम है। और जो हमारे समाज का जो शत्रु वर्ग है उसने भी अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है, तो हमारे लोगों को भी अपने लोगों की जागरूकता में बदलाव करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और तरीके से समझाने की जरूरत है। और कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जैसे जो शोषक वर्ग है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहा है, तो हमारे लोग राष्ट्रवाद के विरोध में बोलने लगते हैं। राष्ट्रवाद का विकल्प विरोध नहीं है, और जो लोग राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं वो वास्तव में राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र की पूरी आबादी का उत्थान करना, और बहुसंख्यक आबादी का जो विरोध करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता, वो राष्ट्र विरोधी है। तो उसके राष्ट्र विरोध को उजागर करना और वास्तविक राष्ट्रवाद को सामने लाना और अपने लोगों को समझाना, जैसे धर्म की बात है, धर्म के नाम से हमारे लोगों को धर्मित किया गया है, तो धर्म का वास्तविक रूप लोगों को समझाना कि धर्म ये नहीं है कि अपने समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हितों की ये खिलाफत काम करे, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और धर्म के नाम पर अधर्म हमारे लोगों से करवाया जा रहा है, तो हमारे लोगों को वास्तविक धर्म का ज्ञान करवाया जाना, वास्तविक राष्ट्रवाद का ज्ञान करवाया जाना, और राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े हमारे लोग ये गलत नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद क्या है ये नहीं समझ रहे, ये गलत है। और जो लोग विरोध करते हैं हमारे विरोधियों का, वो राष्ट्रवाद के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे लोगों को समझ कर समझाने की जरूरत है समाज को, और बहुत अधिक शातिर है हमारा शत्रु, जो हमारे राष्ट्र का भी शत्रु है, वो देशद्रोही है वास्तव में, तो उसको उजागर करना, उसके देशद्रोह को उजागर करना, उसके चार युगों से चले आ रहे देशद्रोह को उजागर करना, और वास्तविक राष्ट्रवाद को समझाना, वास्तविक धर्म को समझाना। वास्तविक धर्म हमारे अपने अधिकारों को हासिल करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप देख लो, धर्म का अधिकारी ब्राह्मण बना हुआ है, वो अपना अधिकार नहीं छोड़ता, वो देवता बदलने में देर नहीं लेता, पंत बदलने में देर नहीं लेता, लेकिन वो अपने स्वार्थ नहीं छोड़ता। जितनी भी विचारधाराएं इस देश में चल रही है, चाहे वो इस्लाम परस्त हो, सेकुलरिज्म हो, वामपंथ हो, कोई भी विचारधारा हो, सबको लीड कर रहा है यही एक वर्ग, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, और अपने स्वार्थ के लिए एकजुट है। तो अपने अधिकारों के लिए अपने समाज को एकजुट करना, और बिना किसी विवाद के उसे समझाना, और इस हिसाब से समझाना कि वो राष्ट्रवाद जैसी पॉजिटिव अवधारणा को निगेटिव ना ले, धर्म के नाम पर भ्रमित ना हो, वास्तविक धर्म का स्वरूप समझ ले। इन सब चीजों को समझा के जब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग काम करेगा तो समाज ठीक होगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, इसका सबका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। विवेक शर्मा जी, जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है अभी। सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। जी हेलो, आवाज जा रही है सर? जी। पहली बात तो विशेष आभार कि जो एआई बीसीए टीवी जो आपने बनाया है, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हम लोगों को दिया है अपनी बात को रखने के लिए, और स्पेशल आभार आपका है सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताई एडवोकेट राजेंद्र साहु जी, और हम आपसे काफी कुछ सीखे हैं। और आज के थोड़ा सा बीच मेरी मोबाइल चार्ज नहीं होने की वजह से मुझे काफी गैप के लिए मोबाइल लेफ्ट जाना पड़ा इस प्रोग्राम से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार सर का, मैं आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ, और आप लोगों से जुड़ करके मैं इस मुहिम में आपके साथ आगे चलने के लिए मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए। और क्योंकि ओबीसी होने के नाते और अपने साथ इस तरीके राजेंद्र साहब सर, आप सबको आगे आने वाले समय में किसी के साथ क्या, राजेंद्र साहब सर आप सबको आशीर्वाद दे दीजिए, बच्चे अन्ना आना है। तो कहीं कहीं बहुत चिंता रहती है कि मतलब समाज का क्या होगा, तो देखता हूँ कहीं कहीं जो आप लोगों ने बताया है कि
एक समाज ऐसा है कि हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई नीतियां सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन एक विशेष समाज है जो हमें पीछे लाने के लिए बार बार हमारी नीतियों को फेल कर तैयार करता है। तो इन सारी चीजों को हमें भी उनकी नीतियों को फेल करने के लिए कहीं ना कहीं हमें भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और उनके विचारों के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे अपने विचार लेने पड़ेंगे। तो एक छोटा सा लेख है, मैं उन्हीं से एक बात कहना चाहूंगा, जिसे उसमें लिखा है कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उस देश पर शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक देश पर कहीं कहीं जो है हमारे देश के साथ जो है शिक्षा का स्तर जो है नई शिक्षा की नीति के साथ जो है बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ये चिंता का विषय है और बहुत खुशी है कि चिंता का विषय है जो भी हो, लेकिन आप जैसे लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं बोलने के लिए, लड़ने के लिए, समूह बना रहे हैं, तो इस तरीके के कारण जो आप लोगों को देंगे कहीं कहीं हमारे जैसे युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। वैसे बहुत सारे युवा जो है अभी तो मार्ग से भटक चुके हैं क्योंकि उन्हें जो भी मार्गदर्शन मिला नहीं है, क्योंकि उन्हें उनका पड़ोस किसी और से है या उनका संगत किसी और से है। तो जैसी संगत वैसी शिक्षा जैसा कहा जाता है, तो वैसी संगत वैसी शिक्षा उनको मिल रही है, तो वो उस रास्ते में जा रहे हैं, मतलब गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जब अच्छे ज्ञान मिलेंगे, कहीं कहीं वो वापस फिर से जो है दिशा को सही करने के लिए, अपनी व्यवस्था को सही करने के लिए साथ में जुड़ेंगे। तो हमें एक जागरूकता लाने की जरूरत है, एक मुहिम। राजेंद्र साहू साहब नया लड़का है, थोड़ा सा इसको जो है मनोबल बढ़ाइए। हाँ, मैं चाहूंगा कि विवेक जी जैसे युवा सामने आए, अभी जैसे की उम्र 20 साल 21 22 साल है, अगर इस उम्र के लोग जुड़ेंगे अभियान से तो ये 70-75 ये अच्छा चीज रहेगा। अब जैसे 50-60 साल 70 साल के आदमी को तैयार करेंगे तो मुश्किल से 5-10 साल सेवा नहीं दे पाएंगे, लेकिन विवेक जी लोग अगर आएंगे फील्ड में किया जाएगा, ऐसे लोग जब नेता बनेंगे और समाज के जागरूक का काम करेंगे, सामाजिक नेतृत्व को समझेंगे, तो ये ज्यादा दिन तक इसको हो सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। तो अपनी जैसे तैयार करें, फिर वो 10-10 तैयार करें, बढ़ाने में